रहे हैं आपसे, ओके? अच्छा भाई, पहला सवाल आपसे करने जा रहे हैं, आपके हिट होने की वजह क्या है? मुमल शेख, जावेद शेख, सलीम शेख या फिर शहजाद शेख? मुझे बताएं, मैं हिट हूँ, हिट हो गई? अरे यार, ये तो बिल्कुल ही, वाह वाह मुमल, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, हम्बल मत हो। I don't know, I mean if you're saying it then I'll तो किसी एक का नाम नोटा डाल दो। मैं हिट हुई हूँ जीनत मंगी की वजह से। अरे वाह, ये सबसे अच्छा, बहुत अच्छा। आंटी जे करे तान इसी रहा हो तो सिर्फ तहां जे करे हिट थिया छोकरी। हां, ये मेरी और आंटी की पर्सनल बात, ठीक है? इसका सबटाइटल अच्छा भाई, शट अप, मुझे बात करने दो, आई एम द होस्ट। अच्छा, किस हीरोइन को फैशन की हेल्प की जरूरत है? जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? सजल, हीरामानी या फिर उर्वा? उर्वा, उर्वा बिल्कुल सिंपल रहती है। क्या अच्छी बात है भाई, तालियां होनी चाहिए उर्वा, ठीक है? इसमें मैंने तालियां क्यों बजवाई? लेकिन मेरे कॉन्सेंट्रेशन सवाल पे, इसलिए मैं खेल नहीं रहा। वेरी गुड, वेरी गुड। इतनी सिंपल है भी नहीं, और मशीन भी तेज हो गई है फिर, हम जानते हैं उनको। वो आप लड़की देख के तेज हो जाते हैं सर, ये आपका मसला है। इस मशीन पे डाउट करो, ये मशीन सबसे लोएस्ट पे है इस वक्त। चलो भाई, मुमल किसकी फिल्म में काम करना चाहती हूँ लेकिन अब्बा मना करते हैं? सैयद नूर, वजाहत रऊफ या फिर अंजुम शहजाद? या फिर अंजुम शहजाद। और बाबा मना करते, पता नहीं क्यों मना कर रहे हैं, मुझे क्या पता, उनकी मजाल, मुझे मना करे। तीनों की करूंगी, तीनों की करेंगी भाई, तीनों की फिल्म करेंगी, और इसलिए ये तीनों आजकल फिल्म नहीं कर रहे हैं। आइए अगला सवाल, इनमें से किसको देखकर ऐसा लगा कि जब ये एक्टिंग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ? मीरा, वीना या फिर सना? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऐसा, ये बचपन की बात है। पहले आप मुझे कहते हैं कि मैं हिट हो गई, मैं तो कह रहा हूँ, फिर आप मुझे कहते हैं कि मैं, अच्छा देखो किन्होंने लिखा है ये सवाल। देखो हिट तो ये भी है तीनों, ऐसी बात नहीं है। यू करके उड़ा दे, ये लो भाई, उड़ गया, खत्म हो गई बात। अच्छा भाई, कभी PSL की टीम खरीदी तो इसको कैप्टन रखूंगी, बाबर आजम, आजम खान या फिर शहजाद शेख? शहजाद शेख कोई तो कप्तान रख नहीं रहा, तो कोई तो रखेगा, शहजाद, तुझे हम कप्तान बनाएंगे शहजाद। अच्छी बात है। जावेद साहब के साथ ऑन स्क्रीन बेस्ट हीरोइन कौन लगती है आपको? नीली, रीमा या फिर शबनम? नीली। यार मैंने बहुत बार शेख साहब को फोन करके बोला नीली का नंबर मुझे किसी तरह से दिलवा दें, मुझे उनसे बात करनी है। वो किसी को नहीं देते, नहीं देते, जान पहचान वालों को देते, हमें दे देंगे, नहीं देते नंबर, नहीं देते। अरे भाई, नीली पसंद है ना मुझे। अच्छा, तो मैं तो ऐसी वॉक कर रही हूं। अच्छा, एज अ प्रोड्यूसर, सोचो क्या सवाल लिखा हमने, मुमल, एज अ प्रोड्यूसर इसको कभी कास्ट नहीं करूंगी। अब तुम प्रोड्यूसर बन गई हो, ठीक है? ऑलराइट, अब तुम इनमें से कास्ट किसी को नहीं करोगी, किसको नहीं करोगी? दानिश तैमूर, समी खान या फिर फहद मुस्तफा? लो, ये तो बदमाशी है, अब एक नाम लेना है। दानिश के साथ कर लिया, दानिश बाय बाय, दानिश के साथ कर लिया, बहुत गलत बात है। समी भाई बैठे हैं, फात भाई खड़े, तो आप ये कर रही हैं? नहीं, दानिश इज अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड ही अंडरस्टैंड। लेकिन फिल्म में नहीं लोगी ना तुम उसको? नहीं, लूंगी चौथी फिल्म में। ठीक है, अच्छी बात। तो भाई फिल्म में पैसे भी तो कमाने ना, पहले दो चार से कमा के फिर दानिश को लेंगे ना। इस बात का साहिर भाई को बहुत बुरा लगेगा। अच्छी बात, अच्छी, यार तुम चुप रहो, ठीक है? अगला सवाल, इंडस्ट्री में कौन है जिसके पास डेट्स नहीं है लेकिन वो सुपर हिट नहीं हो रहा है? ठीक है, असद सिद्दीकी, शहजाद शेख या फिर फहद शेख? या फिर फहद शेख, ये तुम लोगों का नहीं है, ये अलग शेख है। कौन? अरे वो तो कहता है मुल्क में दो ही शेख हैं, एक जावेद शेख और एक मैं शेख, तुम पहचान ही नहीं रही हो। असद सिद्दीकी, शहजाद शेख या फिर फहद शेख हिट नहीं हो रहे हैं। देखा शेख, यहाँ भी तुम्हारी इज्जत नहीं हो रही है। आइए मुमल, पहुंच सके लिए आप यार।